सब में आज SSCET फिजिकल का कट ऑफ के वीडियो हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों का पता नहीं है कि रिजल्ट कब है। 15 तारीख में रिजल्ट की घोषणा हुआ है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो 15 तारीख में रिजल्ट होने वाला है। और SSCET वेस्ट बंगाल का कट ऑफ कितना है, तो आप देखने के लिए ये वीडियो। जय हिंद साथियों, आज SSCET 2023 का जो एग्जाम हुआ, एग्जाम के कट ऑफ कितना आएगा वेस्ट बंगाल के लिए, अदर्स जितने भी सारे स्टेट है उसके कट ऑफ कितना आएगा, आज वीडियो कट ऑफ के लिए है। क्योंकि बहुत सारे साथियों बंदा तो एग्जाम दिया लेकिन एग्जाम के लिए उसका एक टेंशन बाकी है कि कट ऑफ कितना आएगा और हम फिजिकल में जा पाएंगे या नहीं। तो अभी फिजिकल के लिए भी तैयारी करें और कट ऑफ जितना आएंगे आज हम डिटेल से बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इधर ध्यान से बैठे और सुनो, SSCET कट ऑफ 2023 का बहुत ही कम कट ऑफ आने वाला है 2022 के अनुसार। 2022 में वैकेंसी कितना था, 25,000, और इस बार 2023 में 46,000 वैकेंसी है। तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं आएंगे। और उस बार फॉर्म फिलअप भी हुआ था, 25,000 वैकेंसी था, फॉर्म फिलअप हुआ था आपका कितना, 70,00,000, और इस बार 46,000 है लेकिन फॉर्म फिलअप हुआ है 54,00,000। तो कट ऑफ समझ रहे हो कितना कम आएगा। तो सुनो, कैंडिडेट स्टेट सर हम बताएंगे, स्टेट किसका, स्टेट में कितना स्कोर सेफ है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये बहुत सारा कट ऑफ आ गया। इसमें 80 में से 72 क्वेश्चन जनरल को ठीक करना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 70 क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा, एससी के लिए 67 क्वेश्चन और एसटी के लिए 66। तो समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा कट ऑफ आ गया, तो उसमें पास करने के लिए बंदा का बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इसमें अगर आप जनरल हो, जनरल कैटेगरी के, तो वेस्ट बंगाल का 35 क्वेश्चन ठीक करके हमारा एग्जाम पास हो जाएगा। और ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए भी 33। तो गुड न्यूज़ है, बहुत सारे साथी हो एससी में भी, एससी हो तो एससी के लिए 33 क्वेश्चन, 80 में से अगर 33 क्वेश्चन आप पास करके आ गया तो आपका 100% फिजिकल में डाक मिल जाएगा। और आपका SSCET का फिजिकल अच्छा हो गया तो मेडिकल पास करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एसटी के लिए बहुत कम आया, 32। तो अदर्स जितने भी सारे कैटेगरी है ईस्टर्न रिलीजन में, इस बार जो बोडार का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो उसके लिए और भी ज़्यादा कम कट ऑफ कम आएगा। तो ध्यान से सुनो और फिजिकल का तैयारी करो, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही कम आया तो फिजिकल में बहुत सारे साथियों को बुलाया जाएगा। पिछले बार मैं भी SSCET में एग्जाम के पहले ही फिजिकल का रनिंग शुरू कर दिया था, क्योंकि जानता था मैं पास कर जाऊंगा और फिजिकल मेरा 100% एक्टिव होता रहे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारा कट ऑफ आया, लेकिन कर्नाटक और केरला और वेस्ट बंगाल, ये तीन स्टेट में बहुत सारा कम कट ऑफ आया। तो आप समझ रहे हैं अभी एग्जाम की तैयारी आपका कंप्लीट करके आप फिजिकल का तैयारी शुरू करें, बहुत ही कट ऑफ कम होया। और एक बात ध्यान से सुनो, फिजिकल के लिए आप तैयारी करो, क्योंकि 33 क्वेश्चन तो हमेशा बहुत सारे साथियों पास करके ही आएंगे। तो मेरे गांव में भी 2-4 लड़का SSCET का पास करके चला आया, तो उसके भी हम समझाते हैं, क्योंकि फिजिकल का 5 किलोमीटर रनिंग आपका ज़्यादा अच्छा खासा कट ऑफ आ जाएगा, तो फिजिकल में आपका बहुत सारा मार्क्स आ सकता है और मेडिकल टेस्ट में आपका बहुत ही मदद करेगा। अगर एग्ज़ाम अच्छा रहा, फिजिकल का अच्छा एग्ज़ाम या, तो मेडिकल में आपका पास करके सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम आना जरूर है। तो इसे ध्यान से सुनो। और हमारे जो वेस्ट बंगाल का बंदा है, वेस्ट बंगाल के बंदा के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी के लिए सेफ स्कोर है। तो आपको अगर कट ऑफ ज़्यादा भी आ जाए तो 35 क्वेश्चन के से ज़्यादा ऊपर नहीं आएंगे, मिनिमम 35, 35 आप इसको सेफ स्कोर समझ लीजिए, ठीक है। ये था हमारा SSCET का कट ऑफ का फुल वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उसको भी पता चल सके कि हमारा SSCET का कट ऑफ कितना आया, कितना आ सकता है। तो आप देखें, और मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाकर देख सकते हैं कि कट ऑफ कैसे देखता है, कितना हमारा सेफ स्कोर है, आप आंसर की में कितना क्वेश्चन को ठीक किया।
तो ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल का लिए तैयारी ना करें, सिर्फ बैठे बैठे एग्जाम की अपेक्षा कर रहे कि रिजल्ट कब आएगा। ऐसा गलती मत करना और अपना फिजिकल में तैयारी करना। तो ठीक है साथियों, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ बहुत ही सेफ है। कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत सारे साथियों का, आप पास हो जाएगा और मेरे साथ जुड़े रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था, इसलिए मैंने पोस्ट कर दिया कि एसएससी का कट ऑफ बहुत सारे साथियों नहीं जानते, तो उसका ये बात समझ आई। आप फिजिकल के लिए तैयारी करो, ठीक है। फिजिकल के लिए आप कुछ तैयारी करें, एबीसी करें, पुलअप करें। अगर हाइट नहीं है तो हाइट का ऑलरेडी हमारे चैनल में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। और जो सेफ स्कोर है ये 35 से ज़्यादा ऊपर नहीं उठेगा, टेंशन नहीं करो तो बेटर होगा। और आज हैप्पी होली, तो होली का आपको सभी को बधाई हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। और रनिंग वगैरह भी करना और होली का आज फुल एंजॉय करना। जय हिंद।